हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक माता पिता अपने 12 साल के बच्चे को लेकर बड़े चिंतित थे, क्योंकि उनका ये बेटा दिन भर या तो टीवी देखता था या मोबाइल पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपना समय व्यतीत करता था। तभी उनके गाँव में एक महात्मा आते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये महात्मा बड़े सिद्ध पुरुष है और इनके पास हर मुश्किल का हल है। ये माता पिता महात्मा के पास जाते हैं, उन्हें मिलकर अपनी बात समझाते हैं। महात्मा जी हंसते हुए उन्हें कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे यहाँ पास में ही एक बगीचा है, वहाँ अपने बेटे को लाकर छोड़ दो, मैं उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। माता पिता दूसरे दिन सुबह 10 बजे बगीचे में बच्चे को महात्मा जी के पास ले जाकर छोड़ देते हैं। महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? वह लड़का कहता है कि मैं APJ अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तभी महात्मा जी अचानक रुक जाते हैं और एक छोटे पौधे के पास देख कर उसे कहते हैं, तो क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? वह लड़का कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल उखाड़ सकता हूँ। वो एक हाथ से उस पौधे को उखाड़ देता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, एक बड़ा पौधा रहता है। महात्मा जी उसे कहते हैं, क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? वह एक हाथ से कोशिश करता है लेकिन नहीं उखाड़ पाता। फिर वो दोनों हाथ से पूरी जी जान से कोशिश करके उस पौधे को उखाड़ता है। फिर और थोड़ा आगे जाते हैं, एक छोटा पेड़ रहता है। महात्मा जी उसे कहते हैं, क्या तुम इस पेड़ को उखाड़ पाओगे? वह कोशिश करता है लेकिन वह पेड़ टस से मस नहीं होता है। फिर वो और एक बार कोशिश करता है लेकिन फिर भी वह पेड़ को नहीं उखाड़ पाता है। वह महात्मा जी से कहता है कि ये पेड़ बड़ा मजबूत है, मैं इसे नहीं उखाड़ पाऊंगा। महात्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तुम छोटे हो और ये जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे टाइम व्यतीत करना, टीवी देखना, अगर तुम APJ अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ानी होगी, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। वो लड़का कहता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तब अचानक महात्मा जी क्या करते हैं, उस पेड़ को जाकर लपेट लेते हैं, उसे आलिंगन देते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाए, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाए। वह लड़का हंसने लगता है, कहता है कि महात्मा जी आप क्या कर रहे हो, आपने ही पेड़ को पकड़ कर रखा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है। तब वो हाथ छोड़ देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि तुम्हारी आदतों को तुमने पकड़ कर रखा है, अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। वह लड़का बहुत प्रसन्न होता है। महात्मा जी से कहता है कि मैं अपनी गलती समझ गया हूँ और आज से मैं पढ़ाई पे पूरा फोकस करूंगा और जो एम मैंने जीवन में लिया है साइंटिस्ट बनने का, उसके लिए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करूंगा। क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं और जिनको हमने ही पकड़ के रखा है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था, वेब इंडेक्स सर्वे, उसमें बताया गया है कि हर भारतीय दिन में 3 से 4 घंटे सोशल नेटवर्किंग पे स्पेंड करता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल और न जाने और कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अगर हम दिन के 3-4 घंटे अगर उसी पे स्पेंड कर देंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि जो टाइम चिंतन और मनन का है कि मुझे आगे क्या करना है, वही समय जब भी हमें वक्त मिलता है हम तुरंत व्हाट्सएप खोलते हैं, तुरंत फेसबुक खोलते हैं, और कई लोगों के तो व्हाट्सएप पे 20 से लेकर 250 तक ग्रुप से, तो आप सोचिए हमारा कितना टाइम अनवांटेड थिंग्स पे कंज्यूम हो रहा है। आज समय है तो क्यों ना हम हमारा सोशल नेटवर्किंग का टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं उसे रिड्यूस करें, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ सके। और जो हम कर रहे हैं तो तभी हमें अधिकार है कि हम बच्चों को भी कुछ कहें। इसलिए आज रुक कर हमें ये डिसीजन करना ही होगा और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसे कम करना होगा। हाँ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमें बहुत लोगों तक पहुंचाती है, हमारे मैसेजेस, हमारे प्रोडक्ट्स, इन सब
सबके लिए उसका महत्व है, लेकिन उसके लिए कम से कम समय हम कैसे स्पेंड करें, ये इस पर हमें ध्यान देना होगा। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।